कांग्रेस प्रत्याशियों ने नरसिंहपुर जिले में भरा फॉर्म। नरसिंहपुर से लाखन सिंह पटेल, तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा, गाडरवारा से श्रीमती सुनीता पटेल एवं गोटेगांव से एनपी प्रजापति, चारों प्रत्याशियों ने आज अपना अपना नाम का नामांकन पत्र भरा। अपार जन समूह एवं गाड़ियों के विशाल रैली के साथ अपनी वजनदारी दिखाते हुए शुभ मुहूर्त में अपना फॉर्म भरा एवं जमा किया। समस्त उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को नरसिंहपुर जिले से उखाड़ फेंके एवं समस्त भाजपा से कांग्रेस में आए हुए कार्यकर्ताओं का दिली रूप से स्वागत वंदन अभिनंदन भी किया। आज के विशाल रैली को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नरसिंहपुर जिले में मजबूत रूप में आ चुकी है। चारों विधानसभा प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित राय, गोलू भैया, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नरसिंहपुर से अकित नेमा की रिपोर्ट। बड़े वोटों से जीते सांसद, उन्होंने कहा कि हमारे तो ये बड़े शानदार वोटों से जीते है, ये उनका ही मतलब तोड़ना नहीं, लड़ाई यही साल तो नहीं तोड़ना, लड़ाई 2019 तक ले चलना है। लगा था कि हम पार्टी में आए तो लहर चली सब विधायक जीत गए, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी, जनता के बीच में नहीं जाना। और आपके पास जब वोट मांगने आते एक बार पूछना कि आप अपने 10-3 बार वोट आपको दी हमने, आपने हमारे गांव में क्या काम करवाया, और एक काम बताया कि मंजूर वोट देगा लेकिन बिल्कुल वोट नहीं देना। ऐसे निर्गुण है कि जनता के बीच में नहीं जाते, इनका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, जनता की लड़ाई न लड़े हम पद पर। आपका नाम नरसिंहपुर में युवा नेताओं में शुमार किया जाता है, आज के दिन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, हम सभी युवाओं में एक नया जोश और ऊर्जा पैदा हुई है, क्योंकि चारों प्रत्याशी इस बार के जो नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवारा, तेंदुखेड़ा चारों विधानसभाओं के ऐसे सक्षम, ऐसे दबंग, ऐसे निष्ठावान चुने गए हैं कि इस बार चारों पूरे जिले में कांग्रेस ही कांग्रेस आएगी और मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और मैं चार शब्दों में या चार लाइनों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। मत थक है मध्य प्रदेश के निवासी, मत थक है मध्य प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और उसका मजा भी आएगा, उसका मजा भी आएगा। आज अपार जनसमूह के साथ चारों कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर फॉर्म भरने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं में हमारी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हमारे नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं में ऐसे जनाधार वाले जुझारू प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके कारण जिले की चारों विधानसभाओं में अति उत्साह का माहौल है। और इसी अति उत्साह के माहौल के कारण आप देख पा रहे हैं कि भारी जनसमूह आज जिला मुख्यालय में यहाँ एकत्रित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के अपने एजेंडे में कुछ बातें रखी थी, नर्मदा का उत्खनन बंद होगा एवं और भी सुविधाएं जो दी जाएंगी वो नहीं दी हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की अगर बात नर्मदा उत्खनन को लेके है तो सबसे बड़ा मां नर्मदा का उत्खननकारी शिवराज सिंह चौहान खुद है और उसका पूरा संपूर्ण परिवार मां नर्मदा के उत्खनन में लिप्त है। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात शिवराज सिंह चौहान के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। आपका शुभ नाम? आनंद चौरा जी, मजदूर कांग्रेस जिलाध्यक्ष।